नमस्कार, न्यूज 48 में आपका स्वागत है। स्वाद हरियाणा कार्यक्रम के तहत हम हरियाणा के जायकों को आप तक पहुंचाएंगे। हरियाणा के जायकों की तलाश में आज हम पहुंचे खास ढाबे पर। जायकों के मामले में खास क्यों है ये ढाबा, पेश है खास रिपोर्ट। ऑलरेडी सब्जी मिलेंगी जो चाहो आप। मैं यहाँ पे आया हूँ खाना खाने के लिए। मैं यहाँ से देखा बढ़िया डेकोरेशन बनाई हुई है, यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। मैं अभी खाया है यहाँ पे और अच्छा लगा मेरे को। यहाँ मेरा मन करेगा बार बार यहाँ आने के लिए। अपने परिवार के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए बाबू जी। मेरा नाम धर्मेंद्र है, आगरा का रहने वाला हूँ। मैंने चौधरी ढाबा सरपंच होटल देखा। मैं इससे पहले भी खाना खा चुका हूँ और मैं जब यहाँ से निकल के जाता हूँ वहीं पर खाना खाता हूँ और मुझे बहुत अच्छी प्रकार का खाना लगा। मेरा नाम ज्योति है, मैं मथुरा से दिल्ली जा रही हूँ और यहाँ हम सरपंच ढाबा पर रुके हैं। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये दाल मखनी है, राइस है और सैलड बहुत अच्छा है। हम फैमिली के साथ ही आए हैं। मैं 10 में से 8 नंबर दूँ जी। शो आपका सजेस्ट करूँगी। तो इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है, भोजन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। चाय पी और खाना खाएंगे। अब मैं सूबे सरपंच एक्स काम गदपुरी सरपंच ढाबा टेस के नज़दीक चौकी सिटी गेट बैंक और शुद्ध शाकाहारी। हमारा सबसे पहले तो शाही पनीर जो मलाई और दूध में बनती है और शाही पनीर मखनी पनीर और आलू मटर मखनी दाल है, दाल फ्राई है। फैमिली के लिए सब साधन है, सब शुद्ध सहकारी। एक साथ 100 आदमी खाना खा सकते हैं। देखो जी 10 कैमरे लगे हुए हैं, 10 कारीगर होते हैं। साफ सफाई बहुत अच्छी है, शुद्ध सहकारी सरपंच ढाबा। मेरे पास ही 6 साल पुराने कारीगर हैं और अच्छे कारीगर हैं। जो भी सब्जी बनती है वे सब देसी मक्खन में बनती है। शाही पनीर और सेब भाजी जो मलाई में और दूध में बनती है और काजू किशमिश भी बनती है उसमें। सरपंच ढाबे को हम मेरे पिताजी चला रहे हैं 9 वर्ष से। 9 वर्ष पुराना हमारा ये ढाबा है। हमारी तो जी खास ये एक तो शाही पनीर और एक मिक्स वेज है, एक सेब भाजी है। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।